नगरपालिका भवानी मंडी द्वारा कोरोना महामारी से रोकथाम नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 5 नए ऑटो टिप्पर क्रय किए, जिसके माध्यम से घर घर कचरा संग्रहण करने का कार्य किया जाएगा। अधिशाषी अधिकारी राधेश्याम छीपा ने बताया कि नगरपालिका में कचरा परिवहन के लिए 3 ऑटो टिप्पर है तथा 10 ई रिक्शा के माध्यम से कचरा संग्रहण करवाया जाता है। 5 नए ऑटो टिप्पर क्रय किए गए है, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने ऑटो टिप्परों की पूजा कर हरी झंडी दिखाकर सफाई हेतु रवाना किया। चल भाई, जाओ जाओ जाते रहो, देखा चलो। पात्र वाहनी जो है कि आज शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की वाहनी कहाँ से अवेलेबल कराई है भाई? ये भवानी मंडी में कचरे समस्या देखते हुए पहले टोटो इनने क्या खरीदा 25 लाख के रुपए, पहले वाले पिछले बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी ने कुक्कू कहते हैं क्या टोटो कहते हैं उसको, वो करके सभी खराब पड़े हैं, दसी चले ही नहीं, 500 किलोमीटर भी चले सब खराब। ऐसी स्थिति देखे नगर पालिका की, स्थिति पूरी सफेदस्था पूरी चरमरा गई थी, उसको देखते हुए हमारे नगर पालिका पूरे बोर्ड ने वाइस चेयरमैन साहब मेरे सारे पार्षद साथी गणों ने मिल के अधिशाषी अधिकारी से बात करके हमने इंसोल कंपनी जो हमारे राज्य सरकार से टाइप है धारीवाल साहब ने टाइप की है, डेलवी से टाइप की है, और ये टाटा कंपनी पहले दूसरी कंपनियों में बन के आती थी गाड़ियाँ, बेकार आती थी, तस्कर जनक उसी गाड़ियाँ कंपनी आती थी, हमने टाटा कंपनी में बनी हुई इंसोल कंपनी की हमने गाड़ियाँ ली है, और बाज़ार में ये अगर अपन प्राइवेट खरीदने जाएंगे तो खाली चेचिस ही टाटा का 7 लाख रुपये का, 7.5 लाख का, 100 वाला बनाई करके सब कम, 100 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये हमें कम पड़ी है। और इनसे जो हमारी जो रेलवे ने रेट पूछ कर रखी है, रेलवे के रेट भी हमने 6.5 लाख पर हमने खरीदी, 32.5 लाख रुपये हमने 5 ही भवानी मंडी नगर पालिका वाली 55 शहर भवानी मंडी शहर जो सफाई व्यवस्था पूरे ढंग से नहीं हो पा रही थी उसको देखते हुए हमने खरीदी भवानी मंडी, जन समस्या के देखते हुए ताकि भवानी मंडी कचरा ढंग से उठ सके, ढंग से परिवहन हो सके, घर घर जा सके। और पहले की तरह अटाला हमने कबाड़े टाइप गाड़ियाँ नहीं खरीदी है, उनको भी हमारे 10 गाड़ियों को ठीक करने के लिए हमने डाली है, हमारे से जमादार अर्जुन जमादार बाकी हमारे सारे जमादार साथी सारे उसी काम में लगे, गाड़ियाँ रोड ठीक करवा रहे हैं, उसमें जो स्प्रिंग है वो तांबे की उस पर टिकी हुई है, वो तो हाथों में उड़ती नहीं है, किसी कचरे के लिए उड़ती है, लिफ्ट उड़ती है वापस गिर जाती है, ख़राब हो जाती है। इस तरह हम लोहे के जो मिस्त्री के हमें डाली लोहे की लिफ्ट लगा के उनको ठीक करने की पूरी कोशिश चल रही है, 2-3 तो हमने ठीक करा लिए, 5 या 10 15 2 17 18 हमारे को वाहन हो जाएंगे सफाई की व्यवस्था के लिए, एक तो अलग है। तो भवानी मंडी को अच्छी से अच्छी हम व्यवस्था करें, नगर स्वच्छ और सुंदर रहे, ये हमारी प्राथमिकता, हमारा भवानी मंडी स्वच्छ सच रहे, हरियाली। चेयरमैन साहब, जिस तरह से कोविड को लेकर नगर पालिका को सीएम मुख्यमंत्री ने मोक्ष वाहिनी जो मृतक हो जाते हैं उनको शव कर उनका शव अंतिम संस्कार करवाना सारी व्यवस्था नगर पालिका को सौंप दी है, उसमें भवानी मंडी नगर पालिका अग्रसर में अभी कहाँ तक पहुँची है? भवानी मंडी नगर पालिका को तो हमारे जो स्वशासन विभाग ने मुख्यमंत्री जी ने धारीवाल साहब ने ये काम सौंपा, जिसका परिवार जन में कोई नहीं है जी, तो उसका हम पूरा खर्चा वहन करेंगे, पूरा खर्चा जो दाह संस्कार होगा हमारे यहाँ से कर्मचारी जाएंगे जाके दाह संस्कार करेंगे, और बाकी अगर किसी दूसरे जो कोविड से मरता है उसके परिवार हैं उसके
तो अगर वो दाग से ज़्यादा तो हम यहाँ मोक्ष वाहिनी उसके यहाँ भेजेंगे। अगर उसके परिवार में कोई खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है तो उसके मुफ्त में हम पूरा उसके पूरे परिवार में हम खाना भेजेंगे। इस पूर्व पार्षद बढ़ती चंद जी, उनकी वाइफ मरी थी, उनका बेटा मरा, वहाँ से मेरा फ़ोन आया तो उस परिवार पूरी व्यवस्था हमने खाने की व्यवस्था यहाँ से भेजी। मोक्ष वाहिनी जो भी यहाँ पर जो देर लोग हो रहे हैं उन सबको हमें गाड़ी मोक्ष वाहिनी भेज रहे हैं, टाइम टू टाइम भेज रहे हैं। मोक्ष वाहिनी भी हमने पूरी कम्प्लीट करा ली, पहले खराबी थी अभी, इसको भी हमने 5-10 दिन पहले ठीक करा के बिल्कुल तैयार रखी है, जहाँ भी जो चाहिए बिल्कुल तैयार रहता है। जागरूकता को लेकर जागरूकता अभियान जो नगर पालिका द्वारा चलाया हुआ उसमें किस तरह से वार्ड वाइज जागरूकता अभियान शुरू हुआ? जागरूकता अभियान तो हमारा सभी जगह हमने निकाल रहे हैं, रोज़ हमारे रैली निकालते हैं, कल प्रशासन के साथ में हमने रैली निकाली, हमारी सब जगह जागरूक कर रहे हैं। और हमारी एक जो हमारा ये चलता है डिस्को वाला, ये क्या चलता है, डीजे जो चलता है अभी, उसमें हम एक हमारे भवानी नगर पालिका के मंडल की तरफ से पूरा बना के डिस्को पूरा भवानी मंडी में घुमाएंगे, उसको नगर पालिका हमारे अधिकारी जाएंगे, हमारे पार्षद साथी जाएंगे, पूरे नगर पालिका मंडल उसे जग धारण करेंगे, उसमें पूरे जो हमने कल निकाला था प्रशासन के साथ उसी तरह हमने बना के एक डीजे तैयार करा के पूरे ग्राउंड करें, लोगों को चेताएँगे कि इस तरह घर से बाहर नहीं निकलें, कोरोना पालन करें, 3 गज की दूरी रखें, मास्क लगाए रखें, फालतू तो अपने घर से निकले, कोई ज़रूरी काम हो तभी निकले, लॉकडाउन है, ज़्यादा अपने आपका जान है तो जहाँ है और अपने को अपनों को बचाएं, अपने को सुरक्षित, अपना शहर सुरक्षित और अपना परिवार सुरक्षित रखें।